परफेक्ट सर, परफेक्ट, आ गया ना। यस सर। तो ये वेबिनार ऑन आईपीजीए 50 सीरीज ऑन रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉर फार्मासी, आई एम राइट? यस, मतलब ये यही है ना हमारा टॉपिक। तो आप सभी लोगों का इस वेबिनार में स्वागत है। मैं बड़ा शॉर्ट में ही थोड़ी सी स्लाइड्स बना के लाया हूँ फार्मासिस्ट के लिए। और फार्मासिस्ट से यहाँ मेरा मतलब है कि उसके अंदर मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, चाहे वो प्रोपराइटर हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस पर्सन है, जिनको हम सीपी बोलते हैं, कॉम्पिटेंट पर्सन एक्ट एज पर एक्ट, तो सभी के लिए है। तो सबसे पहले तो आई एम प्राउड टू बी ए फार्मासिस्ट। मैं भी, आहूजा साहब भी, आप भी, गर्ग साहब भी, हम सब फार्मासिस्ट हैं। और जितने भी हमारे यहाँ 146 कुछ मैं देख रहा था अभी, हमारे 153 कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सभी फार्मासिस्ट हैं। तो सबसे पहले तो हमें प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हम फार्मासिस्ट हैं। फार्मासिस्ट पहले हैं, उसके बाद कुछ और हैं, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर हैं, या लेक्चरर हैं, या डीन हैं, या वाइस चांसलर हैं, या ड्रग कंट्रोलर हैं। सबसे पहले हम फार्मासिस्ट हैं। तो सेकेंडली, सबसे पहले तो ये ओथ आती है फार्मासिस्ट, जो एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैंने इसको लिया है, काफ़ी बड़ी ओथ है। और इसको मुझे लगता है कि सभी को, ओथ ना भी लें तो एटलीस्ट इसको पढ़ जरूर लें, ताकि बैक ऑफ द माइंड में हमारे ये चीज रहे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। जब कोई एमएलए, एमपी या मंत्री बनता है, वो भी एक ओथ लेते हैं। हमने कभी इसको ओथ लेते हुए नहीं देखा, ना ही किसी एफडीए में, ना ही किसी कॉलेज में, ना ही किसी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेते वक्त, देते वक्त कभी भी इस ओथ का जिक्र आया ही नहीं। जबकि होना ये चाहिए कि जब भी कोई हमारे यहाँ से फार्मासिस्ट किसी भी कॉलेज से निकलता, उसको ओथ दिलाई जाए। हमारे पास कोई लाइसेंस लेने आता है तो उसको ओथ दिला के वो लाइसेंस दिया जाए, वो हमारा प्रचलन में नहीं है। बट इस ओथ को हमें एक बार पढ़ जरूर लेना चाहिए। मैं ये शेयर भी कर दूंगा तरुण जी आपके साथ, ये जो मेरी पीपीटी है, सो दैट आगे आप अपने जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको शेयर कर दें। उसके बाद आता है हमारा ओन डीएलएस, जो भी हमारा पूरे हरियाणा में तो है ही है, 10-12 राज्य में और भी ये ओन डीएलएस यानी ऑनलाइन ड्रग लाइसेंस सर्विसेज जो है चालू हो गया है। काफी लोग इस पर नहीं है, काफी स्टेट नहीं है, लेकिन वो भी आ रहे हैं। ये हमारा एक बड़ा आजकल क्रिटिकल सा एक सब्जेक्ट होता जा रहा है। हमारे पास हर तीसरा व्यक्ति आता है कि जी हमें इस पे ऑनलाइन पे काम करना नहीं आता, कैसे करें। ये एक साइट है, वेबसाइट है, इसको अगर आप खोल के, अगर आप थोड़ा सा भी कंप्यूटर से भी या मोबाइल से भी हैं, तो इसके आप खुद ही सारा काम कर सकते हैं। आप नए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तेजो फार्मेसी, सारी जितने भी हमारी सुविधाएं एफडीए की तरफ से हैं, उसके अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि वो इस ऑनलाइन ऑन डीएलएस पे अपना काम शुरू करें। खासतौर से हमारे हरियाणा के केमिस्ट यहाँ बैठे हैं, वो जरूर अपने आप को, जो पुराने केमिस्ट हैं, पुराने फार्मासिस्ट हैं, वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें, सो दैट कल को अगर उनको कुछ और इस पे काम करना है, चेंज ऑफ फार्मासिस्ट करना है या कुछ और करना है, तो इस पे आसानी से हो सके। दूसरा आता है इस ऑन डीएलएस पे क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। ग्रांट ऑफ लाइसेंस, जो नया ग्रांट है वो हम इससे कर सकते हैं। चेंज ऑफ प्रमाइसिस, किसी का लाइसेंस, किसी ने अगर अपनी अपनी जगह चेंज करनी है वो कर सकते हैं। किसी ने अपना संविधान परिवर्तन करना है, प्रोपराइटर पार्टनर बनाना है, कोई और इसके अंदर चेंजेस करने हैं, वो हो सकता है। फर्म का नाम चेंज हो सकता है। एरिया अगर छोटा बड़ा करना है वो हो सकता है। सबसे बड़ा इसके अंदर रिटेंशन वाला है, जो पुराने लोगों के लिए है रिटेंशन। इसके ऊपर आपको कंप्यूटराइज्ड एक साइंड डॉक्यूमेंट आएगा, जो कि पहले बहुत कम देखने को मिलता था, पहले रिन्यूअल होता था, जो अभी ये रिटेंशन में तब्दील हो चुका है। चेंज ऑफ फार्मासिस्ट, एडिशन ऑफ फार्मासिस्ट, डिलीशन ऑफ फार्मासिस्ट, रेजिग्नेशन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ये दो अलग अलग मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि चेंज ऑफ फार्मासिस्ट जो है वो जिम्मेदारी बनती है मेडिकल स्टोर के ओनर की, कि वो चेंज अगर कोई फार्मासिस्ट हो रहा है तो वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट कोई फार्मासिस्ट रिजाइन करना चाह रहा है तो वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है, और अप्लाई करने के बाद हमारे एक क्लिक के ऊपर वो रेजिग्नेशन उसका स्वीकार हो जाएगा और उसको कोई इधर उधर की कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो फार्मासिस्ट की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो मैंने अभी तक अपने 23 साल के करियर में समझा। देखो, सबसे पहले तो आती है जी फैमिली, फैमिली के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी एक फार्मासिस्ट की। हम सारा दिन दुकान पे बैठे होते हैं, 12-14-15 घंटे, भूल जाते हैं फैमिली को, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको निभानी है। सोसाइटी के प्रति सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दवाइयों का देख रेख ठीक हो, दवाइयों की बिक्री ठीक हो, अच्छी क्वालिटी की दवाइयां सोसाइटी में जाएं, सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाए। फर्म के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली फर्म को प्रॉफिट में रखना है, फर्म के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एफडीए के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफडीए के जो भी कोई डॉक्यूमेंट है, कोई नोटिस है, कोई और इंक्वायरी है, उनके जवाब, उनके तरीके से उनके जवाब दें। डॉक्टर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली डॉक्टर की जो पर्ची आती है उनको अच्छे तरीके से ऑनर करें।
पेशेंट के तरफ सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी पेशेंट सेफ्टी के हिसाब से। फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स पेशेंट्स? प्रॉफिट होता है नो डाउट, रेपुटेशन फर्म की रखनी बहुत जरूरी है। आजकल जो हर तीसरा व्यक्ति वो नकली बेच रहा है, वो ऐसे बेच रहा है, वो बिना बिल बेच रहा है, ये रेपुटेशन हमारी डाउन ना हो, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, गुड क्वालिटी मेडिसिन को बेचना। हमारा हम जब दवाइयां लेते हैं तो हमें हमें खुद ही पता होता है कि ये दवाई किस रूप में आई है, कैसे आई है। अगर वो ठीक टेम्परेचर पे कंट्रोल होके आई है तो डेफिनेटली इट इज अ गुड क्वालिटी। अगर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होके आ रही, कोई वैक्सीन वैसे आ रही है पॉलिथीन में, तो गुड क्वालिटी की है नहीं, उसको तुरंत प्रभाव से रिटर्न किया जाए। नेक्स्ट, डॉक्टर के प्रति उसकी जो प्रेस्क्रिप्शन आती है उसको अच्छे से पढ़ के। पहले होता था कि राइटिंग हमें डॉक्टर्स की समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब 70-80% डॉक्टर्स ने अपने कंप्यूटराइज्ड सिस्टम शुरू कर दिया है। कंप्यूटराइज्ड अगर किसी ने नहीं भी किया है तो उन्होंने कैपिटल में लिखना शुरू कर दिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि ठीक पढ़ के दवाई और ठीक ही दवाई दें, क्योंकि एक ही स्पेलिंग में एक दो वर्ड इधर उधर होने से दवाई का स्वरूप ही चेंज हो जाता है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं करना, अगर करना है तो वो डॉक्टर की सलाह पे डॉक्टर को फोन कर, आजकल सबके पास फोन है, सब पूछा, डॉक्टर भी मना नहीं करेंगे अगर इसको आप सब्स्टिट्यूट करते हैं उससे सलाह लेकर। और रैपिड फॉर्मेशन बिटवीन फार्मासिस्ट की बात कर रहा हूँ, बिटवीन ओनर ऑफ द शॉप पेशेंट एंड डॉक्टर, ये एक इनका ट्राइंगल है, इन पे अच्छे तरीके से रैपिड होना चाहिए। ये नहीं कि पेशेंट आपकी शिकायत कर रहा है उसे गलत बोल गया और कर गया, हर तीसरे चौथे दिन हमारे पास ये शिकायत आ जाती है कि पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार किया, उसको गलत दवाई दी, उसको पैसे नहीं दिए, वो नहीं दिए, उसमें ठीक है। एक एक ईगो पेशेंट की शांत करनी बहुत जरूरी है। यहाँ जो भी हम बैठे हैं सारे स्टेक होल्डर्स हैं, पेशेंट हमें से कोई नहीं है अभी, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि उनकी ईगो शांत जरूर करो। वो आपके द्वार पे आया है कुछ लेने, उसको ठीक ढंग से उसको दवाई अगर हम सर्विस देंगे तो वो मेरे ख्याल से कहीं कोई शिकायत भी नहीं करेगा। पेशेंट के प्रति उसका वही जैसे मैंने बताया, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसके उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। हम मैंने ये देखा है अपने कैरियर में भी और वैसे भी, अगर आप देखो तो जो भी वो दवाई देगा फटाफट लिफाफे में डाल के देगा, फटाफट समझा देगा उसको 10 दवाइयां हैं, ये सुबह लेनी है, शाम को लेनी है। मुझे नहीं लगता उसके समझ में आया हो, तो मुझे लगता है उसको ठीक तरीके से उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। बल्कि फौरन में तो एक अलग से उनको $10 सिर्फ काउंसलिंग के लिए मिलते हैं, ये दवाई आपने कैसे लेनी है, कैसे कैसे इसको वो करना है, पानी के साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है या नहीं लेनी। तो यहाँ भी ऐसा कोई सिस्टम आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं आ सकता कि पहले ही हम लोग इतने कंपटीशन में हैं और 10% 15% के डिस्काउंट में अपना खुद का भी नुकसान करते जा रहे हैं, अपने ऊपर शक कराते जा रहे हैं पब्लिक का कि ये डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब इसकी दवाई ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि MRP पे दवाई देनी चाहिए, जो एक सरकार ने फिक्स कर दी उससे छेड़खानी ना हो। फालतू तो बेचनी ही नहीं है, पर मुझे लगता है कि फालतू के डिस्काउंट और फालतू के जो कंपटीशन है इससे हमारी क्वालिटी भी डाउन हो रही है, हमारी रेपुटेशन भी डाउन हो रही है। उसके बाद है कि पेशेंट को गेट वेल सून जरूर कहें जैसे वो दवाई लेके जाता है। जैसे डॉक्टर के पास जाकर आधी बीमारी ठीक हो जाती है, उसी प्रकार फार्मासिस्ट का भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको गेट वेल सून का एक मैसेज दे। अब आती है फार्मासिस्ट की, ये तीन जिम्मेदारी है जो मेरी स्क्रीन पे है, परचेज ऑफ ड्रग्स, स्टोरेज ऑफ ड्रग्स एंड सेल ऑफ ड्रग्स, बस फार्मासिस्ट की तीन के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं। फार्मासिस्ट ऑनर CP एक्सपीरियंस पर्सन इनकी। अब इसको मैं बायफर्केट ये कर देता हूँ कि परचेज ऑफ ड्रग्स मीन्स खाली ये नहीं कि दवाई ले ली, दवाई जब आ रही है तो प्रॉपर उसका बिल हो, प्रॉपर बिल के साथ प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन के साथ वो दवाई जो है हमारी यहाँ पर आनी चाहिए दुकान पर। उसके बाद वो बिल के साथ उसको खास तौर से बैच नंबर बहुत ही जरूरी है मिलान करना। आपके पास बैच कुछ और आ गया, बिल पे कुछ और है, और कल को उस दवाई का सैंपल ले लिया जाता है, अगर वो फेल आ जाता है तो उसका बिल आपके पास नहीं होगा। सेकेंडली, एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। उसके बाद एक्सपायरी के बाद जो है क्वांटिटी जरूर चेक करें। इसमें आपका डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का सिस्टम है, 10 पत्ते अगर आए हैं, 8 आ गए तो आपका सारा प्रॉफिट यहाँ चला जाता है। तो मेन बात यह है कि आपने परचेज के वक्त ये चीजें देखनी है। दूसरा, स्टोरेज कंडीशंस डेफिनेटली, कौन सी दवाई फ्रिज में रखनी है, कौन सी दवाई फ्रिज के बाहर रखनी है, कौन सी दवाई डायरेक्ट रूम टेम्परेचर पे रखनी है, कौन सी दवाई सनलाइट के जो डायरेक्ट उसमें टच में आए ऐसे नहीं रखनी। तो स्टोरेज एक बहुत बड़ी इसके अंदर हमारे यहाँ पे समस्याएं हैं। AC तो हर दुकान पे है नहीं, टेम्परेचर हमारा 40-45 चला जाता है, पंखे या कूलर ही चलते रहते हैं, इसमें ह्यूमिडिटी भी आएगी, सब कुछ आएगा। तो स्टोरेज कंडीशन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे फार्मासिस्ट को जो निभानी पड़ेगी। उसके बाद सेल ऑफ ड्रग्स, इस सेल ऑफ ड्रग में बहुत बड़ी चीजें छुपी हुई है। सेल वही करेगा
जो सेल करने का हकदार होगा, हकदार वही होगा जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा या होलसेल में एक्सपीरियंस पर्सन होगा। तो डेफिनेटली जब आप सेल करोगे तो इन बातों का ध्यान रखोगे कि फार्मासिस्ट ने ये दवाइयाँ आगे सेल करनी है। सेल करते वक्त भी वही ध्यान रखना है, बिल हमें उनका उनका जरूर काट के देना है और बैच नंबर का खास तौर से ध्यान रखना है और उसके बाद उसकी पेशेंट काउंसलिंग करके उसको वो दवाई दे देनी। परचेज में इनवाइस डेफिनेटली आएगा, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स आपने चेक करना है। या क्वालिटी ऑफ ड्रग्स से मेरा मतलब है वो जो पहले मैंने बोला था कि अगर कोई वैक्सीन आ रही है और बगैर रूम टेम्परेचर के, बगैर स्टोरेज कंडीशन के वो आ रही है तो वो क्वालिटी उसकी ठीक नहीं है। स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर वाली दवाइयाँ रेफ्रिजरेटर में, अदर देन रेफ्रिजरेटर कई बार ऐसे होता है कि जो जो इंजेक्शन है वो मोस्टली सभी लोग उसके अंदर रख देते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, जबकि सबका रिक्वायर्ड नहीं है उसके अंदर रखा होना। अगर उस पर लेबल पे पढ़े हैं उसी को ही रेफ्रिजरेटर के अंदर रखें। रूम टेम्परेचर पे कौन सी रखनी है, कोल्ड कंडीशन में कौन सी रखनी है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी रखनी है, रेफ्रिजरेटर के बाहर कौन सी रखनी है, ये समझ एक फार्मासिस्ट को बहुत जरूरी होनी चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में कोई भी दवाई, कोई भी कॉस्मेटिक, कोई भी आयुर्वेदिक, कुछ भी दवाई नहीं होनी चाहिए। ग्लास बॉटल्स जो हैं, काफ़ी सारी ग्लास बॉटल्स में हमारे सिरप वगैरह आते हैं, उनको कोशिश करें कि वो नीचे वाले रैक में रहें ताकि अगर वो गिर भी जाए तो टूटने के चांसेस कम से कम हो। अगर उनको ऊपर के रैक्स में रखोगे तो वो एकदम से टूटेंगे, नुकसान होएगा। एक और देखने में आता है कि एक ही बड़े डब्बे में काफ़ी सारे जो है पत्ते हम दवाइयों के रख देते हैं, उसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं, कोई सिट्रिजिन है, कोई और है, और गलती से कोई दूसरी दवाई पेशेंट को दी जाएगी, तो कोशिश करें कि एक ही बॉक्स में काफ़ी सारी प्रकार की दवाइयाँ ना रखें। स्टॉक मेंटेन करना है, स्टॉक मेंटेन करते हुए मैं थोड़ा सा मजाक में कि सोना नहीं है, मतलब स्टॉक को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना है आपने, क्योंकि जब भी कोई नोटिफाइड इंस्पेक्टर आपकी शॉप पे आएगा तो यही पूछेगा कि ये पैरासीटामोल जो आपने 100 गोलियां ली थी, अब इसमें जो है 80 बची हुई हैं, तो 20 कहाँ बेची आपने, वो कहाँ, वही स्टॉक मेंटेनेंस है बेसिकली, कौन से बिल से बेची, कैसे बेची। उसके बाद सेल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ने करनी है, प्रेस्क्रिप्शन पे शेड्यूल ड्रग्स बेचनी है, इनवाइस बहुत जरूरी है, उसको इनवाइस इशू करना, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करना, पेशेंट की सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, शेड्यूल H1 रजिस्टर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो अभी हमारा एडवाइस जो मैं इनको देना चाहूंगा, कभी भी अपने रेफ्रिजरेटर को स्विच ऑफ ना करें रात को, रादर दिस इज नॉट एडवाइस, दिस इज मैंडेटरी फॉर यू ऑल ऑफ यू टू नॉट टू स्विच ऑफ योर रेफ्रिजरेटर ड्यूरिंग नाइट, क्योंकि अगर रात को अगर आप अपना फ्रिज बंद करके जाएंगे तो उसके अंदर जो दवाइयां हैं उनका टेम्परेचर, उनका उनकी कंडीशन, जो स्टोरेज कंडीशन वो मेंटेन नहीं होंगे। फायर एक्सटिंग्विशर जो है, आग बुझाने वाला यंत्र, वो एक जरूर एक अपना एक छोटा सा आजकल तो गाड़ियों में भी आता है, टैक्सीज में खासतौर से है, वो जरूर रखें। एक इन्वर्टर जरूर इंस्टॉल करा लें और एक सीसी कैमरे का आजकल हमारे यहाँ तो पानीपत, हरियाणा में जो पानीपत है, पानीपत में तो डीसी साहब ने एक ऑर्डर कर रखे हैं कि हर एक दुकान पे सीसी कैमरे होंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक सर्कुलर निकाला था कि जितने भी स्कूल हैं उनके आसपास 500 मीटर के दायरे में जो दुकानें आती हैं उन पे मैंडेटरी है वो कैमरा लगाना, ताकि बच्चे नशे की दवाइयां वहां पर आके ना लें और डिपार्टमेंट या दूसरी एजेंसीज उसको चेक कर सके कौन इनकी दुकान पे आया था कौन नहीं आया था, खासतौर से बच्चा। इसी तर्ज पे हमारे डिप्टी कमिश्नर जो पानी पे था उन्होंने पूरी दुकानों के लिए मैंडेटरी कर दिया। तो अब हम जो लाइसेंस दे रहे हैं उसके अंदर जैसे पहले फ्रिज का बिल मांगते थे, अब हम कैमरे का बिल भी मांगते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं से बात चली है, कुछ ना कुछ इसके पीछे काफी बड़ी चीजें हैं नशा रोकने के लिए। तो मुझे लगता है कि जहां पर ये आदेश नहीं हुए हैं उन लोगों को एक एडवाइस है कि वो भी अपने वहां पर सीसी कैमरे लगवा ले। इससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो रेगुलेटरी जो कंप्लायंस हो गई है, दूसरा आपकी चोरी कोई और चीजें होती है, कोई हादसा हो जाता तो आप देख सकते हैं कब क्या हुआ है। एक माइंड में रखने वाली चीजें जो है, ये बार बार हम भी कहते हैं, आप सभी लोग भी सारे सीनियर लोग बैठे हैं यहाँ पे, MTP ड्रग्स के ऊपर एक बहुत बड़ा एक एक्शन हो रहा है, क्योंकि MTP की जो दवाइयां हैं उससे बेसिकली वो MTP हो जाती है। और MTP की ड्रग्स, हम ये नहीं कह रहे कि मत रखें, आप रखें, बट आप उसी को बेचें जो MTP सेंटर रजिस्टर्ड होता है उसी को वो दवाइयां, यानी आपने सुनिश्चित करना है कि ये दवाई MTP सेंटर में जाकर यूज हुई है, उसका बिल प्रॉपर हो, डॉक्टर से तालमेल हो, तभी जाकर उसको दें। ये नहीं है कि आनंद फानंद में किसी को भी दे दिया और एकदम से आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सिलडेनाफिल, आप किसी को भी आप सिलडेनाफिल अगर आप दे देते हैं तो वो भी गलत है। सिलडेनाफिल के ऊपर अगर आप देखें उसके पत्ते पर चार डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, चार डॉक्टर के डेजिग्नेशन लिखे हुए हैं, उनकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, इन्हीं को आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई सिलडेनाफिल खा के मर गया तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि उन्हीं लोगों को दें जहाँ से अच्छे अच्छे डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन आई है, जिसके ऊपर
वो लेबल के ऊपर जिन जिन के नाम है, इंटॉक्सिकेंट्स एनडीपीएस ड्रग्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। फिजिशियन सैंपल पहले बहुत होता था, आजकल चलन इसका कम है, लेकिन फिजिशियन सैंपल हमारे एक्ट के हिसाब से आप ना रख सकते हैं ना बेच सकते हैं। इसी प्रकार गवर्नमेंट सप्लाई ड्रग्स ना रख सकते हैं ना बेच सकते हैं। ये है साथी ऐप। साथी ऐप रिलेटेड है एनडीपीएस ड्रग्स से। हरियाणा में एक प्रोजेक्ट चालू हुआ था, पायलट प्रोजेक्ट सोनीपत से, जिसमें मुझे इसका नोडल ऑफिसर बनाया था कि साथी ऐप को चालू किया जाए। साथी ऐप पुलिस के सहयोग से हम ये ऐप चालू कर रहे हैं। पुलिस की एक अलग से एक्सक्लूसिव ऐप है प्रयास करके, उसमें अफीम, चरस, गांजा और इस टाइप की सारी डिटेल्स होंगी, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, वो तो प्रयास हो गया। साथी ऐप में सिर्फ हम लोगों के लिए है, केमिस्टों के लिए, हमारे लिए, जिसके अंदर ड्रग्स जो एनडीपीएफ एक्ट के अंदर आती है उन्हीं की इसके अंदर एंट्रियां होंगी। तो साथी ऐप का जो है पायलट प्रोजेक्ट है वो पूरा हो गया है हमारे सोनीपत से, और हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी है कि ये ऐप अच्छी है, पब्लिक भलाई के लिए है, ये जरूर चालू होनी चाहिए। तो वो किसी भी वक्त वो पूरे हरियाणा में चालू हो सकती है, और हरियाणा में चालू होने के साथ साथ वो इंडिया के कई स्टेट में भी चालू होगी। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे आस पड़ोस की स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मीटिंग्स रेगुलर इसके ऊपर होती है। उसके बाद जितने हमारे ACS हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, हमारे हेल्थ सेक्रेटरीज हैं, ड्रग कंट्रोलर्स हैं, उन सभी की मीटिंग अमित शाह जी ने भी ली थी, और उन्होंने भी इस बात पे जोर देकर कहा कि इस ऐप को चालू किया जाए और NDPS में आने वाली एक एक गोली का हिसाब रखा जाए, उस पर ट्रैकिंग रखी जाए। तो ये हमने इसका पायलट प्रोजेक्ट इसका खत्म कर दिया है, और ये ऐप जो है आप लोगों को भी अल्टीमेटली करनी पड़ेगी। इसके अंदर आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, जैसे आपके पास बिल आते हैं उतनी आपने एंट्रियां करनी है। 100 गोली किसी चीज की आई, उस बिल का नंबर और वो 100 गोलियां इसके अंदर हैं। अगर डॉक्टर की पर्ची आती है तो वो भी इसी के ऊपर अपलोड होनी है। यानी इसमें ये नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट मेडिकल स्टोर वाले ही करेंगे, इसमें केमिस्ट भी करेंगे, होलसेलर भी करेंगे, मैन्युफैक्चरर भी करेंगे, डॉक्टर्स भी करेंगे, सिविल सर्जन्स भी करेंगे, जितने भी डॉक्टर्स इसको प्रेस्क्राइब करते हैं सभी को ये करना पड़े। ये मेरी इसमें बात हो जी। तो इसमें थोड़ा सा सीरियसली हमारे को काम करने का, खास तौर से हमारे जो हरियाणा के केमिस्ट हैं और सोनीपत पानीपत से, क्योंकि ये शुरू हुआ है तो उनको तो ये करना ही है। अब आज के दिन हमारे करीब 500-550 इसके अंदर सब्सक्राइबर आ चुके हैं, और लोग भी धीरे धीरे करके इसको ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद आता है फार्मासिस्ट के बारे में, मैं बता देता हूँ। ये बड़ा डेली हमारे FDA के लिए भी, फार्मासिस्ट के लिए भी बड़ी दिक्कत आती है कि जब भी कोई फार्मासिस्ट रिजाइन करता है वो FDA को डायरेक्ट लेटर लिख देता है। फार्मासिस्ट जब भी रिजाइन करेगा वो अपनी फर्म को लेटर लिखेगा जहां वो एम्प्लॉई है। हमने उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रखी, एम्प्लॉयमेंट उसको फर्म ने दे रखी है, हमें कॉपी कर सकता है। और रेजिग्नेशन की डेट बहुत जरूरी है मेंशन करना, अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसकी डेट। जनरली डेट लोग लिख के नहीं लाते, लिख के ले आते तो एफिडेविट वगैरह में ये डेट नहीं होती। फार्मासिस्ट चेंज, ये होता है फर्म की जिम्मेदारी। इसके अंदर ये जो डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे आए हुए हैं ये इसमें लगाने हैं, एक फॉरवर्डिंग लेटर है एप्लीकेशन, और रेजिग्नेशन ऑफ RP विद डेट, वो डेट जरूर लिखनी है, उसका नाम लिखना है कि इस डेट से वो छोड़ के गया। और जो नया फार्मासिस्ट है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लोग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूर लगाते हैं लेकिन वो अप टू डेट वैलिडिटी उसकी नहीं लगाते। यहाँ एक थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, लोग क्या कहते हैं कि हमने फीस भर रखी है लेकिन हमारा रिन्यू नहीं हुआ। देखिए, हमारे एक्ट में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वर्ड है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सीधा मतलब ये है कि अप टू डेट वैलिड रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज वो नहीं माना जाएगा, हमें वेट करना पड़ेगा। आप कैसे भी करके अपना रिन्यूअल सर्टिफिकेट वहां से जरूर ले, उसके साथ लगाएं। हाँ, अगर वेबसाइट पे वो अपडेट दिखा रहा है कि ये यहाँ तक वैलिड है तो हमें, हम उससे काम चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे, उसका वेबसाइट का प्रिंट आउट निकाल के दे दें। बट आपने फीस भी नहीं भरी और वहां से रिन्यूअल भी नहीं हुआ तो वो गलत है, वो आपको कराना ही पड़ेगा। इसके अलावा अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाने के बाद लोग आगे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाते। क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है, डिप्लोमा किया है या डिग्री करी है पता होना चाहिए, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़े। रेजिडेंस प्रूफ और प्रीवियस वर्किंग बहुत जरूरी है, किस फर्म पे वो पहले काम करता था, सो दैट उस प्रीवियस फर्म से उसका नाम वहां से हटा दिया जाए और इसके नई फर्म पे चढ़ा दिया जाए। अदरवाइज क्या होगा कि डबलिंग ट्रिपलिंग होती रहेगी और दिक्कत में रहेगी। हालांकि अब ये जो नया हमारा ONDLS सिस्टम आया है इसके ये पॉसिबल नहीं है। इस पे अगर कोई रिजाइन कर गया तो उसका नाम वहां से कट के ही दूसरे पे जाएगा। कॉपी ऑफ बिल्स, या कॉपी ऑफ बिल से मेरा मतलब ये है कि सपोज एक फार्मासिस्ट 18 तारीख को छोड़ गया और नया फार्मासिस्ट 24 तारीख को आया है,
तो 18 तारीख का हमें बिल चाहिएगा जो पुराना फार्मासिस्ट काट के गया है, और नए फार्मासिस्ट ने जब ज्वाइन किया 24 तारीख का वो बिल चाहिएगा, सो दैट इससे ये कन्फर्म हो सके कि 18 और 24 के बीच में कोई बिल नहीं कटा, यानी बगैर फार्मासिस्ट के कोई सेल नहीं हुई। अगर 18 तारीख को बिल नंबर 240 है तो 24 तारीख को बिल नंबर 241 होना चाहिए। अगर बीच में कोई और बिल कटा है 19 तारीख को 20 को, इट मीन्स वो बगैर फार्मासिस्ट की उसमें कटा है, उसकी गैर मौजूदगी में कटा है, वो एक ऑफेंस है। फॉर्म 19 लोग इसके अंदर लगा देते हैं फार्मासी चेंज के अंदर, वो नहीं चाहिए हमें। फॉर्म 19 सिर्फ ग्रांट के लिए होता है या रिटेंशन के लिए होता है, रिन्यूअल के लिए, लेकिन इसके अंदर कोई फॉर्म इसकी जरूरत नहीं होती। रिटेंशन फॉर्म 19 चाहिएगा, चलान 3000, RSDL, WSDL ओरिजिनल हमें चाहिएंगे, अप्लाई ऑनलाइन ऑन DLS पे, आपका तुरंत आपका आपका हो जाएगा इसमें। होलसेलर के लिए मैं बात बता दूं, यहाँ भी फार्मासिस्ट का एक मुख्य रोल है। EP मैंने बताया, EP, CP या ऑनर, ये सभी हम इनको फार्मासिस्ट के कैटेगरी में मान के इस वक्त चल रहे हैं आज वेबिनार के दौरान। इनका मेन रोल क्यों है, क्यों मेन रोल है इनका, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से सारी दवाइयाँ जो हैं सबसे पहले किसी C&F पे या होलसेलर पे ही आती हैं। उन्होंने उसकी स्क्रूटनी करनी है, क्या ये दवाइयाँ ठीक हैं, क्या इनका बिल ठीक है, क्या इनकी इनकी स्टोरेज कंडीशन ठीक होके आई थी, क्या इनके इनकी बैच नंबर ठीक है, एक्सपायरी ठीक है, क्योंकि उन्होंने आगे 500 या 1000 केमिस्टों को बेचना है। तो 500 और 1000 केमिस्टों की जिम्मेदारी एक होलसेलर पे आ जाती है, क्योंकि वहीं से वो सारा कैटर होनी है सारी दवाइयाँ। इसलिए मैं इसका मेन रोल कह रहा हूँ कि एक होलसेलर का बहुत बड़ा मेन रोल है। क्वालिटी ऑफ ड्रग्स उन्होंने चेक करनी है, अनलाइसेंस्ड केमिस्ट को दवाइयाँ नहीं देनी है, अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं उनको दवाइयाँ नहीं देनी है, वो एक ऑफेंस है। वो जिसको भी देंगे या तो वो RMP होगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, या लाइसेंस्ड हमारा डीलर होगा, दूसरा कोई होलसेलर होगा या रिटेलर होगा। थैंक यू, मेरी स्लाइड खत्म होती है। थैंक यू तुरंत जी, ओवर टू यू।